लेते हैं कभी कभी, गाना कभी गाइएगा, मतलब गा के रखे हैं, अब शूट करेंगे रिसेंट में। शूट करने वाले थे पहले, सबसे मैंने बड़ा छोड़ दिया। खुलासा कर रहे, नेहा गोस्वामी गाना आ रहा है। सबसे बड़ा खुलासा है कि नेहा गोस्वामी का गाना आ रहा है जी आपकी आवाज में, हाँ, अभी तक नहीं ना आया है। नहीं, कौन चैनल से आएगा? मेरे जो ब्लॉग चैनल है ब्लॉग चैनल से आएगा नेहा गोस्वामी। जी। काफी ज्यादा मतलब किस तरीके का रहेगा गाना, काफी लोग इंतजार करेंगे कि नेहा गोस्वामी सॉन्ग। वो भी सैड सॉन्ग ही है। सेड सॉन्ग आप क्यों करते हैं, ये चीज आप बताइए। सैड सॉन्ग लोग ज्यादा पसंद करते सुनना, लोग सुन के उसमें अपनी लोग सब कहानी लोग इमेजिन बहाना करने ये लग चीज जाते हैं। बनाते हैं कि लोग पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, सब लोग बहाना ऑडियंस पर छोड़ देते हैं कि पसंद करते। कुछ ना कुछ उनके पीछे आपका भी कहीं ना कहीं, इतना अच्छा से कोई भी काम क्यों कर देते, मतलब कर देते तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई रीजन होगा जी। सैड सॉन्ग हमको भी बनाना पसंद है, इंसान फील करता है उस चीज को। अच्छा धोखा मिला, हाँ, लोग तो बहुत धोखेबाज होते हैं दुनिया में, अपना कौन है? कोई नहीं है, नहीं, सब पराए, धोखा बहुत बार मिला है। दोस्त हो जो हाँ अभी मतलब ये रिसेंट नहीं में। बोल रहे हैं कि किससे धोखा, मतलब धोखा बहुत बार मिला, तभी कहने कहीं इतना सेड मतलब ये करते हैं गाना में काम, और सॉन्ग भी सेड लाए सैड सॉन्ग को ज्यादा फील कर पाते हैं। हैं। अरे गाना मतलब अभी आया है अमित आशिक का, और तमाम सिंगर का गाना आ रहा है, और मतलब बड़े लेवल के सिंगर के साथ कोई है जो आप बता सकते, रिवील कर सकते कि उनके साथ गाना आने वाला है? कुंदन जी हो गए, रोशन रोही हो गए, अभी जी फिर राजीव जी हो गए। रोशन रॉय के गाने आपको पसंद आते हैं, पूरा पसंद आते हैं, हाँ, सुनाइए कल। उनका हाँ उनका तो वो अभी जो गाना वायरल हुआ था, साया वाला चीज हुआ, हाँ उसमें आपका सुनाइएगा। गटा उठा के पियावा सट गे लई गे, ले के पलंग पर पलट गे लई गे, अरे फेरे लगले हाथ हमर कोमल कोमल काया पर, मांगे लगले साया वाला चीजवा किराया पर। आपका गाना जो आने वाला है ना वो मतलब हिट है, ये तो आ चुका है। मतलब आपका जो आपकी आवाज में आने वाला है कि ये गाने के हिसाब से हम बोल दिए कि आपका जो आने वाला गाना हिट है, कहीं ना मेरी कहीं आवाज से आवाज शुक्रिया शुक्रिया। बहुत वैसे अच्छा, कहीं ना कहीं गा लेते हैं आप। पब्लिक अगर सपोर्ट करेगी तो आगे बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना गाएंगे। कहीं आपका जितना फेस वैल्यू है, काफी ज्यादा फेस वैल्यू है आपको, लोग एक एक बच्चा बच्चा पहचानता है आपको। बस मतलब इधर मेरे घर साइड से ज्यादा प्यार तो हमको जमुई साइड से जी मिलता है, जमुई झाला उधर जितने काफी ज्यादा मतलब लोग काफी ज्यादा आपके नाम से जानते कि नेहा गोस्वामी। यादव लोग का प्यार ज्यादा मिलता है, किसका, यादव लोग का क्यों? पता नहीं। ऐसा कोई बात नहीं, तो तमाम मतलब ये आपका इस तरीके का कहना, कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस आप देखते हैं ज्यादातर फॉलोअर्स मेरे बिहार के ही हैं, उसमें भी। उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 70% यादव हैं। इससे लोग क्या समझेंगे? लोग क्या अच्छा समझेंगे, आप अंडर मतलब अपने जाति में शादी कीजिएगा या फिर मतलब किसी से भी, मतलब कोई भी जाति से, भगवान जाने। वैसा कुछ नहीं है कि हम बंगाली हैं तो बंगाली से ही करना है, आप ये सब चीज को मानते हैं नहीं किसी कि किसी से भी मतलब शादी, मतलब कोई भी कास्ट से, किसी भी से नहीं कास्ट मतलब से। कोई भी कास्ट से, हाँ, कोई भी कास्ट से कर लेंगे। कोई भी कास्ट से शादी? कितना दिन अभी टाइम है शादी इंसान में? अच्छा होना चाहिए, 2-3 साल बोले तो 2-3 साल टाइम लग जाएगा। अभी शादी का एज थोड़ी हुआ है। खैर 2-3 साल तक टाइम लग जाएगा, आप लोग अगर इंतजार कर रहे थे काफी ज्यादा अभी टाइम ले लिया शादी में, खैर कोई बात नहीं, तब तक कहीं ना कहीं आप मेहनत कीजिए, जिस तरीके से गाना गा रहे हैं आप, अपना एक्टिंग क्षेत्र में काफी ज्यादा नाम किए, उस तरीके से गाने लाइए, शायद हो सकता है गाने में इससे भी ज्यादा प्यार देने लगे। अच्छा बात है, और कहीं ना कहीं गाना का आपका इंतजार रहेगा। और जहाँ एक टॉपिक छूट रहा है, रोशन रॉय के गाने आपको पसंद पड़ते, आप बोले थे हाँ उनकी जैसे ऐसे ऐसे गाना है, तो भैया आई रहो मतलब जक्शन में मिला, ये सब गाने आपको पसंद आते हैं? अब वो उनका कंटेंट है इस चीज पे, मतलब आप कोई भी गाना काम करने से पहले देखते हैं कि कैसा गाना है, अब काम है हमारा, कोई अब भी गाना मतलब किसी भी तरीके का गाना, कौन लगे गाना कब बज जाए कोई नहीं जानता है ना। किसी भी तरीके के गाना में काम कर लेते, या आर्टिस्ट फिर है, कोई एक होता ना कि कोई भी गाना में हम तब काम करेंगे, पहले हमको भेजिए एक हम लिमिट, देखेंगे, एक आर्टिस्ट का भी लिमिट होता है काम करने का, तो उस लिमिट से बाहर नहीं जाता है। मतलब बाकी लिमिट, आर्टिस्ट है तो इंसान को कभी पागल, कभी भिखारी, कभी ये कुछ सब तो बनना एक अलग पड़ता बात है। है, आप मेरा बात सवाल को नहीं समझे, जैसे कोई भी गाना को आप देखते हैं कि अश्लील है कि कैसा है? अश्लीलता क्या है? अभी सब भजन तो नहीं सुनते हैं ज्यादा,
समझ जाइए कि आप मतलब किसी भी प्रकार का गाना रहेगा समर्थन है, समर्थन है, आर्टिस्ट है भाई, काम सबका करना है ना। अच्छा खैर कोई बात नहीं, मतलब बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, हम लोग काफी दिनों से मतलब जानते थे लेकिन आज बहुत दिनों के बाद इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा लगा। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग नेहा गोस्वामी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कॉमेंट में बताइएगा, और इनका गाना बहुत जल्द आने वाला है तो उन गाने के बारे में भी रिवील किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।